स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम बनाने वाले हैं सूरत का बहुत ही पॉपुलर नाश्ता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोचो की। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। मैंने एक कप चना दाल को अच्छे से धोकर 4 घंटे पहले पानी में भिगा के रख दिया था। इसका सारा पानी निकाल देंगे हम। ये मैंने लिया है 1 कप मोटा वाला पोहा, जिसको मैंने 15 मिनट पहले पानी में सोक किया था। इसका एक मिक्सर में हम तैयार करेंगे अच्छा सा स्मूथ कंसिस्टेंसी का पेस्ट। दाल का पेस्ट बनाने के लिए मैंने ग्राइंडर में दाल को अच्छे से पानी निकाल के डाल लिया है, और इसमें डाला है मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2-3 हरी मिर्च, और हम इसमें डालेंगे नमक, और हम इसका अच्छा सा एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब एक बोल में चने दाल का पेस्ट निकाल के हम उसमें डालेंगे 1/2 कप दही और 1 टीस्पून हल्दी। अच्छे से मिला लेंगे हम इस मिश्रण को। अब इसमें हम डालेंगे पोहे का पेस्ट, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम इसको ढक कर 5-6 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए किसी गर्म जगह पर रख देंगे। ये देखिए, 5 घंटे मैंने इसको फर्मेंट किया है और दाल कितने अच्छे से फर्मेंट हुई है। अगर आप 5 से 6 लोगों के लिए लोचो बना रहे हैं तो 1 कप दाल में अच्छी क्वांटिटी बन जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए आधा मिश्रण मैं फ्रिज में रख दूंगी। आधे मिश्रण में मैं डालूंगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब एक बर्तन को हम ग्रीस करेंगे घी से, और उसमें हम दाल ट्रांसफर कर देंगे और स्टीम करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। क्योंकि स्मूथ कंसिस्टेंसी की दाल है, पतली है, इसलिए फूलेगी तो नहीं, लेकिन स्टीम करने का हमारा मकसद ये है कि ये मिक्स अच्छे से पक जाए। करेंगे हम लोचो की प्लेटिंग। मैंने लोचो निकाल लिया है प्लेट, और इसमें डालेंगे ढेर सारा बटर। अगर आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। मैंने 3 टेबलस्पून भर के बटर डाला है, और इसमें डालेंगे थोड़े से कांदा, हरी चटनी, इमली की चटनी, थोड़ा सा नींबू, धनिया का पत्ता, और उसके साथ में नायलॉन सेव के साथ में हम इसको डेकोरेट करेंगे, और तैयार है आपका बहुत ही टेस्टी सूरती लोचो। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं रेसिपी डालती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।